हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 29 फरवरी 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, SN श्रीवास्तव। SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया मुख्य आयुक्त कमिश्नर यानी कि कमिश्नर बनाया जाने की घोषणा की गई है। वे अमूल्य पटनायक का स्थान लेंगे। SN श्रीवास्तव 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। दिल्ली में हिंसा के बीच फिलहाल उनकी तैनाती दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त यानी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर की गई है। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर में CRPF में तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल के हमले से बचने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा चीन। टिड्डियों के हमले का सामना कर रहे पाकिस्तान को सहायता देने के लिए चीन ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। इन टिड्डियों का सामना करने के लिए चीन ने 1,00,000 बतख दल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। चीन ने अपनी बतख फोर्स को सीमा पर भेज दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बतख प्रतिदिन 200 टिड्डियों को खा सकती है। यह एक तरह से जैविक समाधान है जिससे फसल को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में चीन और पाकिस्तान दो देशों की बात हो रही है। दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, और इसमें सबसे पहले हम चाइना के बारे में देख लेते हैं। यह है चाइना, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ की रिमिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। दूसरा देश था हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, पेट्रोनेट MHB। राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस संगठन ONGC और उसकी सहायक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने मैंगलोर में पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मालिकाना हक वाली पेट्रोनेट MHB लिमिटेड में लगभग 371 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। ONGC और HPCL ने 185.38 रुपए में यह सौदा किया है, यानी कि इसके शेयर, एक शेयर की कीमत ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को भौतिक के गंभीर विषय में एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के रूप में जाना गया है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिक के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, म्यांमार।
प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिंट ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की तथा दोनों देशों के बीच 10 करार किए गए हैं। अधिकतर समझौतों में म्यांमार में खासकर संघर्ष प्रभावित रखाइन प्रांत में भारत की सहायता के तहत चल रही विकास परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। समझौते में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सहयोग, तस्करी पीड़ितों को बचाने, खोजने, वापसी और पुनः मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये समझौते हुए हैं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें म्यांमार, ये है म्यांमार जिसकी कैपिटल है नापिताओ, यहाँ की करेंसी है क्यात और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी भारत की यात्रा पर आए हैं यू विन मिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1480 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम अपने बजट भाषण के दौरान रखा था। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की 4 साल की अवधि यानी 2020 से 21 और 23 से 24 तक में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1480 करोड़ रुपए है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, उद्योग तथा खेलकूद के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार, यहां पर होगा इसरो, इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेविक इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन रियलमी। चीन के टेक दिग्गज कंपनी Xiaomi ने घोषणा की है कि वो इसरो की भारतीय क्षेत्र के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक तकनीकी का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करेगा। यह सुविधा वर्तमान में केवल क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक द्वारा अपने कई क्वालकॉम स्पैन ड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल की गई है और जिसे भारत में सभी Xiaomi स्मार्टफोन में उपलब्ध कराया जाएगा। नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन क्षेत्रीय भू स्थिति प्रणाली है जिसे भारत में और इसके आसपास के मुख्य स्थानों की सटीक स्थिति जानकारी प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनस और यूरोप द्वारा तैयार किए गए गैलीलियो की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस तकनीक का क्रियान्वयन इसरो और क्वालकॉम के प्रयासों के साथ साथ Xiaomi के अनुसंधान और विकास प्रयासों के बाद ही संभव हो पाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली। नई दिल्ली में एम्पोवेरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी LED फार्मिंग पर 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। सम्मेलन के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रकाशकों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को भी जारी किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली खेती और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इस सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों से हाशिए पर खड़े किसानों को सहायता देने पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 27 फरवरी। भारत ने 27 फरवरी को अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन का अधिकार द्वारा 27 फरवरी को भारत के पहले प्रोटीन दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की गई है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और शिक्षित करना है। भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विषय सभी नागरिकों के लिए
रोजाना खुद से और दूसरों से पूछना कि प्रोटीन में क्या है निर्धारित किया गया है। इस दिन की मुख्य गतिविधियों के माध्यम से भविष्य में प्रोटीन के बारे में अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार करना है और भारतीयों को भोजन में पर्याप्त प्रोटीन खाने के लिए प्रेरित करके थाली कम से कम 1/4 प्रोटीन को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, स्वतंत्रता सेनानी। सुधाकर चतुर्वेदी नाम लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी और वैदिक विद्वान सुधाकर कृष्ण राव का निधन हो गया। उनका जन्म माधव परिवार में हुआ था। वे स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य बने, जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के शिष्य थे। चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण राव ये चतुर्वेदी को पंडित सुधाकर चतुर्वेदी की उपाधि दी गई थी। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी से जुड़े और देश भर के कई जिलों में भ्रमण किया और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भारत, चीन या फिर श्रीलंका। ये आज के यानी 29 फरवरी 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।